गुड इवनिंग आपके लिए लेके आ गया हूँ डी पी पी ऑन बक कन्वर्टर तो बक कन्वर्टर के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं आपको एक्सट्रीम लेवल पे बेटा क्लैरिटी मिलने वाली है कि बक कन्वर्टर बेस्ड प्रॉब्लम आप कैसे क्रैक कर सकते हो इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिमेंबरिंग द फॉर्मूला बिना फार्मूला याद किए कैसे चीजों को आप निकालोगे चलिए तो लेटस गेट स्टार्टेड लेटमी स्टार्ट बाई इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ माई नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ए आई आर वन टू आईज इन गेट इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी आई वॉज अवार गोल्ड मेडल बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हमसेल्फ इन दर ट्वेंटी थर्टीन वेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी टिलेट आई है ट्रेन ओवर टू लैक स्टूडेंट फॉर गेट एंड डी एस सी And currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चों में कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या अगर आप इस चैनल को देखें अगर सिर्फ आप इस चैनल को देखें तो बेटा आपको समझ आएगा ये चैनल आपके लिए बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर sure करता है ना कि जो हमारे बच्चे हैं वो सबसे आगे रहें किसी भी एग्जाम की रेस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ना एकदम आग लगा दें फोड़ दें मचा दें और उसके लिए नंबर ऑफ इनिशिएटिव आपके लिए आते हैं ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि अन अकेडमी ऐप पे भी तो बेटा अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लो आज रात को आठ बजे मैं लगाने वाला हूँ ए एम ए सेशन जहाँ पे जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज हैं यू कैन कम एंड आस्क मी डायरेक्टली लाइव ऑन स्पेशल क्लास टू नाइट एट एट पी एम तो बेटा उसके लिए आपके पास अनडमी ऐप होना चाहिए और क्लासेस के लिंक के लिए ना आप इस लिंक को सेव करके रखें बेटा इस लिंक पे आप जब कभी जाएंगे तो आपको आगे आने वाली क्लासेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी इन द अपकमिंग सेक्शन अपकमिंग स्पेशल क्लासेस और बेटा जो क्लासेस ऑलरेडी लग चुकी हैं वो आपको मिल जाएंगी इन डिफरेंट फोल्डर्स जैसे पी एस यू की क्लासेस गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन मैराथन सेशन सब कुछ आपको बेटा मिल जाएगा जो मैंने आज तक पढ़ाया है एवरी थिंग इज प्रेजेंट हेयर अदर देन दैट बच्चों आपको क्या मिलने वाला है प्लस पे आओगे तो मिलेंगी लाइव क्लासेस बाय द टॉप एजुकेटर कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स ना सिर्फ इतना बेटा डेली असाइनमेंट ठीक है वीकली टेस्ट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और सबसे बड़ी बात बेटा डाउट सॉल्विंग जो भी क्वेश्चन आप पोस्ट करोगे उसका आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इफ यू बिकम अ मेंबर ऑफ एन अकेडमी प्लस तो गेट हो ई हो पी हो इससे बेटर आपके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता और अगर आपको और आगे जाना है देन गो आइकॉनिक आइकॉनिक में तो बेटा अलग लेवल पे मजा आ जाएगा क्योंकि यहाँ के साथ आपको ना एक पर्सनल कोच मिलेगा जो खुद गेट और एएससी सी टॉपर होगा और ये पूरी तरह से आपकी जर्नी में आपकी मदद करने वाला है आपके टारगेट सेट करेगा आपका टाइम मैनेजमेंट कराएगा आपका स्टडी प्लानर बनवाएगा तो बेटा मैं मानता हूं एक सही स्ट्रैटेजी के साथ एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है बस थोड़ा सा उसका हाथ थामने की जरूरत है और वो सपोर्ट आपको मिलता है आइकॉनिक के अंदर यहां बेटा लगते हैं स्टडी बूस्टर सेशन जहां टीचर्स आपको करते हैं गाइड टेस्ट एनालिसिस जहां आपको पता लगता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर मार्क्स वरना क्या होता है टेस्ट सीरीज में अटक जाते हो एक लेवल पे आके तो उस लेवल को ब्रेक करने के लिए टेस्ट एनालिसिस कराया जाता है और एक डेडिकेटेड टीम होती है बेटा जो आपकी हर क्वेरी को इमीजिएटली रिस्पॉन्ड करती है वेदर इट इज टेक्निकल टेक्निकल और और नॉन लेकिन आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है और पता है पता सबसे अच्छी बात क्या है बेटा अन मेरे साथ डायरेक्टली ऑडियो पे बात कर सकते तो पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है बेटा और पढ़ने में भी अटेंशन ज्यादा बनती है बिकॉज वी कैन वर्बली इंटरेक्ट विद ईच अदर तो दैट इज द नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी और बेटा अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आज ही से नया बैच स्टार्ट हुआ है कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया अजय सर ने इन द एक्सलरेट बैच और ट्वेंटी थ्री वाले एक्सपायरेंट के लिए बीवी रेड्डी सर ने ई एम टी स्टार्ट किया इन द आरोहन बैच इसके अलावा बच्चों मेरा मशीन्स का कोर्स चल रहा है डेली सेवन ए एम टू नाइन ए एम इसके अलावा टेन ए एम टू ट्वेल्व नू डेली चार घंटे में मशीन्स पढ़ा रहा हूं बेटा इसके अलावा सिर्फ इतना ही मत सोचना इतना ही होगा इसके अलावा डेली टू पी स्पेशल क्लास लग रही है मशीन के लिए और फाइव पी में आपके डाउट आंसर कर रहा हूं और एट्थ ऑफ से बेटा स्टार्ट हो रहा है पावर सिस्टम एट्थ सेप्टेंबर से, से नाइनटीन अक्टूबर तक लगने वाला है और यहां पे ध्यान दीजिए बेटा इस संडे होने वाला है कॉम्बैट विच इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन अन अकेडमी क्योंकि यहां मचाने से यू कैन इवन विन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप ठीक है हंड्रेड परसेंट तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है बेटा अन अकेडमी में और अगर आप बार्क की तैयारी कर रहे हो तो इस सैटरडे सैटरडे होने वाला है मिनी मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट और अगले होगा बेटा फुल क्वेश्चन इस्वेंटी मिनट पूरी फील आ जाएगी बार्क एग्जाम की और आपकी तैयारी हंड्रेड परसेंट करवा के भेजेंगे चलिए तो शुरू करते हैं बेटा बक कन्वर्टर का टॉपिक हम लोग और बक कन्वर्टर के क्वेश्चंस देखते हैं आज क्योंकि कंसेप्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो आप जान चुके हो कि कैसे बक कन्वर्टर काम करता है क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं और मैंने आपको जिस तरीके से बताया बेटा वहां पे आप बिना कोई फॉर्मूला याद किए आप हर पैरामीटर डिराइव करने के काबिल हो बस थोड़ा सा एनालिसिस आपको लगाना होगा तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सिंपल चॉपर सर्किट विद हंड्रेड द एवरेज एंड आर एम एस करेंट फॉर अ ड्यूटी साइकिल ऑफ पॉइंट फोर नाइन अब बेटा अगर यहां पे देखें हम लोग एक सिंपली एक चॉपर सर्किट है करेक्ट एक सिंपल चॉपर सर्किट है अब यहां पे ये कह रहा है एवरेज और आरएमएस करंट आपको बताना है अब आप क्या जानते हो बेटा स्टेप डाउन चॉपर के अंदर स्टेप डाउन चॉपर के अंदर हमने क्या पढ़ा है वी नॉट एवरेज इज ड्यूटी साइकिल इन टू वी एस वी नॉट आर एम एस रूट ऑफ ड्यूटी साइकिल इन टू वी एस ठीक है ये होता है भाई। ये हमने पढ़ा है हाँ अब यहां पे ध्यान आप लोग क्या बोला नेग्लेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द चॉपर वेन इट इज ऑन मैंने आपको बताया था चौपर एक्चुअली किसे रेफर करता है कन्वर्टर के सर्किट में जो स्विच होता है ना दैट इज कॉल्ड एज अ चॉपर तो ये कह रहा है जब ये स्विच ऑन होगा तो आप इसे एक आइडियल स्विच मानो इट विल एक्ट लाइक शॉर्ट सर्किट तो आप इसका वोल्टेज ड्रॉप इग्नोर कर सकते हैं तो यहां पे average क्या होगा भाई? पॉइंट फोर नाइन इंटू टू हंड्रेड ठीक है दैट इज 98 एट वोल्ट तो इससे आई नॉट एवरेज क्या निकलेगा नाइन्टी एट अपॉइंट टेन अगर वी नॉट आर की बात की जाए रूट ओवर पॉइंट फोर नाइन इंटू टू हंड्रेड वन फोर्टी वोल्ट ठीक है और आई नॉट आर की बात की जाए तो वन फोर्टी बाई टेन 14 एंपियर ठीक है तो आंसर विल बी आरएमएस एंड एवरेज पूछा है या एवरेज एंड आरएमएस देखो बेटा ऑर्डर पे भी ध्यान देना कई बार गलत ऑप्शन लगा देते हैं तो आंसर विल बी ए बहुत ही बढ़िया शुभम सलेनी क्रेजी मशीन मनोज बहुत ही सही आंसर विल बी ए बेटा सोर्स का थोड़ी ना लोड का करंट निकालोगे ना लोड का निकालोगे जब तक ना बोला जाए करंट माने लोड करंट चलो अगला सवाल भाई कम ऑन अ डीसी चॉपर रेशो सी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज वाइल द चॉपर फीड्स आर एल लोड द पर यूनिट रिपल करंट वुड बताओ भाई रिपल करंट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर ड्यूटी साइकिल कॉन्टिन्यूसली आप इंक्रीज करते हो जबकि चॉपर आपका एक आर एल लोड को फीड कर रहा है कम ऑन एवरी वन बी क्विक बेटा बी क्विक फटाफट आंसर दीजिए यस शुभम का आंसर एकदम सही है डी क्या होता है ना बेटा देखो एट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो अल्फा ड्यूटी साइकिल को ही कहते हैं वी नॉट इक्वल टू अल्फा वी एस ये भी जीरो आएगा आई नॉट भी जीरो आएगा यानी देयर इज नो रिपल ठीक है ऐसे ही बेटा एट अल्फा इक्वल टू वन ड्यूटी साइकिल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वन वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा वी एस इज वी एस विच इज कॉन्स्टेंट बेटा यहां कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है यानी पे कोई चॉपिंग ही नहीं की गई है अगर कोई चॉपिंग नहीं करी आपने आपने स्विच को परमानेंटली ऑन कर दिया तो अगेन बेटा कोई रिपल नहीं बनेगा क्योंकि आप कहीं से भी वेब को कट नहीं कर रहे और आपने ये डिराइव किया था बेटा कि स्टेप डाउन चॉपर हो या बक कन्वर्टर हो स्टेप डाउन चॉपर या बक कन्वर्टर दोनों के अंदर ही आपने एक कॉमन चीज डिराइव की थी कि भाई मैक्सिमम रिपल जो होता है डेल्टा आई मैक्स जो होता है आपका दैट इज एट अल्फा इक्वल टू पॉइंट फाइव और इसकी वैल्यू आती है वी एस फोर एफ एल ठीक है वी एस फोर एफ एल तो इसीलिए बेटा पॉइंट फाइव पे बढ़ के मैक्सिमम आएगा इनिशियली और फाइनली दोनों केसेस में रिपल जीरो रहने वाला है यानी जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर मैक्सिमम से गिरते गिरते जीरो आ जाएगा ये समझ में आया भाई समझ में आया सभी लोगों को चलो अगला सवाल भाई बहुत ईजी है फॉर अ स्टेप डाउन डीसी चॉपर ऑपरेटिंग विद लोड करेंट वॉट इज द एक्सप्रेशन फॉर लोड वोल्टेज के इज द ड्यूटी रेशो नहीं बेटा किसी भी प्रकार का डी नहीं मिलेगा जिस दिन अटेंडेंस बढ़ेगी उस दिन आपको पी मिलेगा ठीक है अटेंडेंस का क्राइटेरिया है हंड्रेड जिस दिन हंड्रेड क्रॉस करोगे उस दिन का पी डी मैं अपलोड कर दूंगा यस आंसर इज ए द आंसर इज ए बल्कि पता है ये चीज़ गलत है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए कल मैंने आपको बताया था ना कॉन्टिन्यूस कंडक्शन में क्वाटिन्यूस कंडक्शन में वी नॉट आता है के इन टू वी डी सी और बेटा डिस कंडक्शन में डिस कंडक्शन में वी नॉट आएगा के बीटा वी डी सी करेक्ट करेक्ट है ना तो ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए वरना के बाय बीटा आता है विच इज एक्चुअली ग्रेटर देन के वी डी सी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर भाई कि आपका जो आउटपुट आता है डिसकॉन्टिन्यूस का वो क्टिन्यूअस से ज्यादा आता है चलिए अगला ट्राई करो भाई द इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस सीन बाय द सोर्स इन द फॉलोइंग सर्किट वेन डेल्टा इज पॉइंट टू ये डेल्टा जो है ना दिस इज ड्यूटी साइकिल तो देखो बेटा ड्यूटी साइकिल को ही लिखने के कई तरीके हो गए डी हो गया के हो गया अल्फा हो गया डेल्टा हो गया तो दिस इज योर ड्यूटी साइकिल ये मैंने आपको डिराइव कराया था बेटा शुभम कह रहे हैं बी बाकी लोग भी बताओ भाई बाकी लोग भी आंसर करें क्या आएगा भाई आंसर B? चलो देख लेते हैं यहां पर क्या फंडा मैंने बताया था बेटा वी नॉट इज डेल्टा वी डी सी अब मैंने बोला था वी डी सी यहां पर मैंने बोला था इनपुट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली वी डी सी ओवर सोर्स करेंट अब मैंने आपको यह बोला था भाई यहां सोर्स और लोड सीरीज में है तो दिस इज इक्वल टू आई नॉट तो इनपुट रेजिस्टेंस मैंने बोला था वी डी सी आई नॉट अब आई नॉट कितना था अपना आई नॉट था डेल्टा वी डी सी आर तो यहां पे क्या हो गया था भाई इनपुट रेजिस्टेंस इज वी डी सी ओवर डेल्टा वी डी सी बाई आर तो दैट इज आर ओवर डेल्टा टेन बाय पॉइंट टू इट इज बेसिकली फिफ्टी ओम ठीक है आंसर इज बी ठीक है आंसर इज बी चलो भाई गुलशान बेटा लास्ट तक बैठो इस लेक्चर के समझ आ जाएगा सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है चलो अगला ट्राई करो अ स्टेप डाउन चॉपर इज ऑपरिटेड इन डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मोड इन स्टडी स्टेट विद अ कॉन्स्टेंट ड्यूटी रेशो इफ टी एक्स इज द एक्सटेंक्शन टाइम वी डी सी इज द सोर्स वोल्टेज टी इज द चॉपिंग पीरियड ई इज़ द डीसी लोड वोल्टेज मैग्निट्यूड ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज बताइए जी मनोज कह रहे हैं बी अगर इंडक्टर होगा तो विनय फिर पावर कंजर्वेशन से निकाल लेना बेटा सप्लाई करेंट और सप्लाई करेंट आने के बाद वी सप्लाई बाय आई सप्लाई ठीक है मैंने बताया था ना सोर्स करेंट के लिए पावर कंजर्वेशन लगा देते हैं चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी फटाफट बेटा चलिए बी आ रहा है तो देखो भाई डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन मोड है विद अ कॉन्स्टेंट ड्यूटी रेशियो डी टी एक्स इज द एक्सटिंक्शन टाइम वीडीसी इज द सोर्स वोल्टेज तो इसका क्या मतलब है ध्यान से समझिएगा इसका देखो ये मतलब है कि अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं देखो तो यहाँ पे ना तीन लिमिट्स हैं बेटा एक जिसमें करंट बढ़ता है फिर गिरता है फिर ज़ीरो रहता है फिर फिर बढ़ेगा ऑब्वियसली तो देखो यहाँ से करंट बढ़ा मैक्सिमम तक गया फिर गिर के ज़ीरो आ गया फिर कुछ देर तक ज़ीरो पे ही रहा ठीक है तो यही तो डिसकॉन्टीन्यूस कंडक्शन है फिर बढ़ा फिर मैक्सिमम तक गया अब बेटा जब ये बढ़ रहा है ना उस समय पे सप्लाई ऑन है तो सप्लाई के बराबर आएगा स्विच ऑन है अब जब ये गिर रहा है उस समय फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होता है तो आउटपुट आता है जीरो और जब ये गिर के ज़ीरो रहेगा तब आउटपुट आता है ई तो देखो ये वी एस ये टी ऑन जिसको हम डी टी बोलते हैं एक्सटेंशन टाइम येरा टी एक्स और येरा टी ये लेवल ई ठीक है जब जब करंट गिरता है ना बेटा उस दौरान फ्री व्हीलिंग डायोड होता है और वी नॉट होता है आपका जीरो अब इस वे फॉर्म का ये हमसे एवरेज मांग रहा है एवरेज निकालना आसान है बेटा एरिया अंडर द कर्व वी एस इंटू टी ऑन प्लस ई का ड्यूरेशन कितना है टी माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाय टी ठीक है तो वी एस इंटू टी ऑन बाई टी ठीक है प्लस ई टी माइनस टी एक्स बाई टी तो डी वी एस प्लस ई वन माइनस टी एक्स ओवर टी ठीक है ना ये आएगा भाई तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया बी आ गया ठीक है वन माइनस टी एक्स बाई टी हाँ बेटा जब तो बोला है डीसी में एक कांस्टेंट लोड वोल्टेज है ई माने बैटरी है ना तो आरएलई लोड ही होगा ये आर एल ई लोड होगा विन अगर आर ई लोड होता तो डी टी के बाद तुरंत बंद हो जाता लेकिन एल के कारण ही तो फ्रीविलिंग डायोड कंडक्ट करता है चलो अगला देखो भाई स्टेप डाउन चॉपर ऑपरेट फ्रॉम आ डीसी वोल्टेज सोर्स वी एस एंड फीड्स आ डीसी मोटर आर्मेचर विद अ बैक ई एम एफ ई ठीक है from oscilloscope traces it is found that current increases for a time tr falls to zero over time tf remains zero for t not in every chopping cycle तो अब आपको ये बताना है एवरेज डीसी वोल्टेज अक्रॉस द फ्री व्हीलिंग डायोड ये ध्यान देना वोल्टेज जो आपसे मांग रहा है वो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस मांग रहा है इस बात पे खासा ध्यान दिया जाए भाई चलो फटाफट से कर दो भाई इसको एक्सटेंशन एंगल क्या होता है भाई आशुतोष एक्सटेंशन एंगल वो एंगल होता है जहां पे करंट जीरो जाता है ऐसी एक्सटेंशन टाइम क्या है जिस टाइम पे करंट जीरो चला जाए दैट इज एक्सटेंशन टाइम भाई चलो भाई कम ऑन एवरीवन क्या आ रहा है सी डी सी चलो देखें तो देखो बेटा एक्चुअली ना ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है तो एक काम करते हैं ना इसको हम कॉपी कर लेते हैं हाँ ठीक है अब देखो इसने हमें क्या बोला है इसने ये बोला है बेटा कि जो करंट है ना करंट इंक्रीज करता है ओवर अ टाइम टी आर करेंट इतने टाइम में बढ़ता है फिर डिक्रीज करता है ओवर अ टाइम टी एफ फिर जीरो रहता है ओवर अ टाइम टी नॉट ठीक है समझ में आया क्या बोल रहा है करंट इंक्रीज करता है देखो इसने बोला करंट इंक्रीजेस ओवर अ टाइम आर फॉल्स टू जीरो ओवर अ टाइम एंड जीरो फॉर टी नॉट इन एवरी चॉपिंग साइकिल और यहां पे आ जाएगा मोटर का बैक ई एम एफ अब अगर आपसे एवरेज निकलवा रहा है बेटा तो ये पहले जैसा ही तो हो गया क्यों भाई पहले जैसा ही हो गया ना ये टोटल तीनों का सम है आपका टी तो बी एस टी आर प्लस ई बी टी नॉट बाय टी आर प्लस टी एफ प्लस टी नॉट ठीक है तो यहां पे क्या आ रहा है सी सी आएगा भाई ठीक है आंसर विल बी सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा ही है बस टाइम का जो नोटेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर दिया है है ना पिछली बार टी एक्स दे दिया था आपको एक्सटेंशन टाइम चलो अगला देखो भाई डाउन चॉपर शोन इन द फिगर दिगर इन किलो हर्ट्स ड्यूटी रेशियो पॉइंट फाइव वॉट इज द पीक टू पीक रिपल इन द लोड करेंट पेक टू पेक रिपल इन द लोड करेंट बताइए जी शुभम कह रहे हैं सी चलो देखते हैं सी अब देखो बेटा यहां पे मैंने आपको क्या बताया यहां डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना भाई वी एस फोर एफ एल है ना मैंने आपको तरीका क्या बताया फॉर पीक टू पीक रिपल आप एक इंटरवल चूज कर लें भाई आपने चूज कर लिया जीरो से डीटी ठीक है सर अगर जीरो से डीटी चूज कर लिया बेटा तो स्विच ऑन होगा और डायोड आपका ऑफ रहने वाला है ठीक है ये स्विच आपका ऑन हो गया और ये हो गया ऑफ इस वजह से क्या होगा ना इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वी एल वो आती है सप्लाई माइनस आउटपुट कितनी आती है ती है सप्लाई माइनस आउटपुट अब बेटा सप्लाई है हंड्रेड आउटपुट पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड हंड्रेड माइनस फिफ्टी इज फिफ्टी अब हम क्या करते हैं हम ये बोलते हैं कि इस दौरान इंडक्टर का करेंट में चेंज आएगा डेल्टा आई एल कितने टाइम में डी टी में और वोल्टेज कितनी है फिफ्टी तो यहाँ से डेल्टा आई एल क्या आ जाएगा पॉइंट फाइव इंटू फिफ्टी बाय एफ एल एफ यानि कि फ्रीक्वेंसी है टेन टू दावर थ्री एल है टू हंड्रेड इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री तो ट्वेंटी फाइव बाई टू हंड्रेड पॉइंट वन टू फाइव ठीक है अगर फॉर्मूला याद करोगे तो क्या समस्या है भाई एग्ज़ाम तक भूल जाओगे पक्का इसीलिए बेटर यह कि ऐसे फंडामेंटल लगाओ जो कि कल को अगर नया क्वेश्चन भी बने तो भी आंसर दे पाओ अगर आप ऐसे कंसेप्ट लगाओगे जो कि आज याद है क्योंकि कल ही पढ़े थे तो फिर बेटा उस चीज का फायदा नहीं क्योंकि वो फॉर याद नहीं रह पाएगा ठीक है इसीलिए मैं रटना मिनिमाइज कराता हूं चलो अगला देखो भाई तगड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो द स्विच एस ऑफ द डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर

ऑप्शन बताओ भाई शुभम चलो 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 कम ऑन एवरीवन फटाफट करना है बेटा फटाफट करना है आपको और देखो इस फ्राइडे में मैराथन लेने वाला हूं डीसी मशीन पे पूरा डीसी मशीन तो नहीं करा पाऊंगा लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपका काफी हद तक मैं खींच दूंगा इन दिस फ्राइडे एट सिक्स पी ठीक है फ्राइडे सिक्स पी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नहीं होगी हमारी डी मशीन की क्लास लगेगी ठीक है तो डीसी मशीन का मैराथन लगाएंगे बढ़िया तरीके से क्या आ रहा है बी आ रहा है अब देखो भाई आंसर इज करेक्ट आंसर इज बी इस क्वेश्चन के अंदर आपको ड्यूटी रेशो दिया है और सप्लाई भी दी है और आउटपुट भी दिया है अब बेटा दिमाग में एक बार तो जरूर आएगा कि सर क्या जरूरत से ज्यादा डेटा नहीं दे दिया जब कभी ऐसा शक हो जाए तो बेटा हमेशा चेक करना और आज की डेट में तो गेट एग्जाम के लिए आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है क्योंकि गेट वाले कहीं से भी ना बीच में छोटा सा डिसकॉन्टिन्यूअस मोड का क्वेश्चन डाल दिया करते हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें कि भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस मोड का हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक तरह से एक्टिव रहना है अब मैं कहता हूं कि वी नॉट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है सर डी इंटू वी डी सी होता है परफेक्ट तो पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड इज एक्चुअली फिफ्टी वोल्ट तो जो हमारा वी नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस जो वी नॉट गिवन है वो है सेवेंटी तो बेटा जब क्वांटिन्यूअस से ज्यादा वैल्यू गिवन हो देन इट मीन इट इज डिस्किन्यूअस मोड इसीलिए बेटा देखो चॉपर का एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएंगे गेट के अंदर वहां चेक जरूर करना क्या ये क्वांटिन्यूअस का सवाल है या ये डिसक्ंटिन्यूअस का सवाल है चलो अगला करो अ चॉपर इज एम्प्लॉय टू चार्ज अ बैटरी द चार्जिंग करेंट इज फाइव एम्पियर द ड्यूटी रेशियो इज पॉइंट टू चॉपर आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो शोन व पीक टू पीक रिपल इन देंट बेटा अल्फा ग्रेटर दैन वन के लिए डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा सुब्रता ये कहा से लाए बेटे कॉन्सेप्ट अल्फा होता है ऑन टाइम बाय टोटल टाइम तो टोटल से ज्यादा ऑन कैसे कर दिया बताओ भाई सुब्रता जी बहुत दिनों बाद अपनी क्लास में कोई गधा प्रसाद आया है है ना अल्फा ग्रेटर देन वन पे डिसकॉन्टीन्यूस बता रहे हैं गधे जितना बड़ा अल्फा होता है ना उतना ज़्यादा कंटिन्यूटी के चांस हैं जितनी देर स्विच को ऑन रखोगे उतना कम चांस है कि इंडक्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा ठीक है अल्फा बढ़ाने से तो क्वान्टूटी की तरफ जाते हो भाई ए आ रहा है देख लें भाई देखो ये आपको दिखा रखा है आउटपुट वोल्टेज क्या दिखा रखा है आउटपुट वोल्टेज अब बेटा अगर ये आपको आउटपुट वोल्टेज बता रखा है यहां पे तो आप समझिए ये, ये है टाइम इन मिली सेकेंड फॉर जीरो टू पॉइंट टू मिली सेकेंड वी नॉट सिक्सटी ठीक है अब इसमें पूछा है रिपल तो मैं कहता हूँ इस दौरान इंडक्टर की वोल्टेज कितनी हो गई भाई सिक्सटी माइनस ट्वेल्व सिंपल सी बात सोच के देखो ना बंधु यहाँ सिक्सटी यहाँ पे ट्वेल्व तो सिक्सटी माइनस ट्वेल्व हो गई अब अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा इंडक्टर में आएगी चार्जिंग करंट में चेंज आएगा डेल्टा आई एल और वोल्टेज होगी फोर्टी एट फोर्टी एट ड्यूटी साइकिल बाय एफ एफ कितना है भाई एफ है ये रहा ना वन मिली सेकेंड है ना तो एक काम करो ना टाइम ही रहने दो यहां वन मिली सेकेंड बाय एल एल कितना है भाई इंडक्टेंस ट्वेंटी मिली हेनरी मिली से मिली कटा 9.6 तो 0.48 आया समझ है ना और देखो एग्जाम में अगर कभी ऐसा आंसर निकालो तो बेटा ये भी चेक कर लेना ये जो एवरेज वैल्यू दे रखी है क्या ये डेल्टा आई एल बाई टू से ज्यादा है या नहीं क्योंकि जब आपका एवरेज हाफ ऑफ द रिपल से नीचे जाता है ट इज़ एक्चुअली डिस कॉन्टिन्यूअस कंडकशन ठीक है डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन शिशिर बेटा अपने कोर सब्जेक्ट्स तैयार करो एच ए एल के इंटरव्यू के लिए और क्या जो भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं कॉम्युनिकेशन है ई एम एफ टी है ये सब चीज़ों की तैयारी करो और इनका थ्योरिटिकल पार्ट अच्छे से करो थ्योरिटिकल पार्ट कहीं पर कोई रूल का एक्सेप्शन होता है कोई स्पेशल केस होता है तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि दो ही तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं या तो प्योरली थ्योरी या फिर रीजनिंग बेस्ड चलो द पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर शोन इन फिगर हैज अ सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच द पोल ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड ऑल्टरनेटली टू थ्रोज ए एंड बी द कन्वर्टर शोन इज आ बताओ भाई कन्वर्टर जो दिखाया गया है वो क्या है स्विच को आप ऑल्टरनेटिवली ए और बी से जोड़ रहे हो क्या है ये थैंक यू शिशिर एंड ऑल द बेस्ट बेटा ऑल दी बेस्ट फॉर इंटरव्यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड ए रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ए अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे क्या हो सकता है देखिएगा स्विच एट ए सप्लाई कनेक्टेड एक्रॉस लोड सिंगल पोल डबल थ्रू का मतलब पता है क्या होता है कि भाई एक ही वायर है जिसको दो जगह कनेक्ट कर सकते हो जैसे इसको ना बोलते हैं पोल क्या बोलते हैं इसको पोल और ये जो ए और बी पॉइंट होते हैं ना बेटा दे आर कॉल्ड एज थ्रू तो एक पोल को आप दो जगह थ्रू कर सकते हो स्विच एट बी लोड शॉर्टेड अब बेटा ये जो लक्षण है ना ये लक्षण है आपके बक कन्वर्टर के किसके हैं भाई बक कन्वर्टर के नहीं तो पता है पहचानने का सबसे इजी तरीका बताऊं पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर इंडक्टर लोड के साथ कनेक्टेड है अगर इंडक्टर लोड के साथ कनेक्टेड है देन इट इज बक कन्वर्टर तो एक्चुअली आपको ना इंडक्टर की पोजीशन देखनी होती है इंडक्टर की पोजीशन लोड के साथ तो बक होता है आगे आप देखोगे सोर्स के साथ तो बूस्ट होता है और अगर बीच में लटका हुआ है ना लोड ना सोर्स देन इट इज बक बूस्ट देन इट इज बक बूस्ट समझ में आ गया चलो अगला भाई क्यों याद के कमी तो है, काम करो ऐसा हो ही नहीं सकता उनको पूरा ई एम टी कराऊंगा तुम्हारे गेट एग्जाम से पहले ही हो जाएगा बट एकदम ना फंडामेंटल लेवल से तैयार होगा क्योंकि देखो बेटा मेरा जो ई है ना मेरा ट्वेल्थ से तैयार है मैंने कभी गेट के लिए नहीं पढ़ा तो अगर किसी को ट्वेल्थ वाला ई आता है ना तो इलेक्ट्रिकल में तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है अभी मैं डेली ई की क्लास ही लेता हूं साढ़े बारह बजे दोपहर में चलो भाई करो इसको फॉर द पावर सर्किट एस सी आर इज ऑपरेटेड एट वन किलो हर्ट विथ टी ऑन पॉइंट फाइव मिली सेकेंड मोटर रेटिंग टू हंड्रेड वोल्ट थाउजेंड आरपीएम टेन एम पी एम नेग्लेक्ट आर्मीचर रेजिस्टेंस द स्पीड ऑफ द मोटर एट अ गिवन ड्यूटी साइकिल इज चलो भाई यहां से मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इन्वॉल्व हो गए भाई इसे बोलते हैं डीसी ड्राइव्स वैसे अब गेट के सिलेबस में नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ना बेस्ट टॉपिक है अगर किसी को मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों रिवाइज करने हैं तो एक एक सवाल दोनों चीज़ें रिवाइज करा के जाता है बी आ रहा है देख लें क्या चलो देख लेते हैं भाई हम कहते हैं वोल्टेज एक्रॉस मोटर टर्मिनल्स वोल्टेज एक्रॉस मोटर टर्मिनल्स इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज ऑफ चॉपर ठीक है चॉपर का जो आउटपुट है ना वही वोल्टेज आपकी मोटर के टर्मिनल्स के एक्रॉस है यानी ंड्रेड दैट इज हंड्रेड वोल्ट कितनी भाई हंड्रेड अब इसने जो बोला ना बेटा आर को इग्नोर करना है इसने जो बोला आपको आर को इग्नोर करना है उसका मतलब ई एम एफ इज इक्वल टू वी टी ई एम एफ इज इक्वल टू वी टी दैट इज हंड्रेड वोल्ट अब अगर ऐसा हो गया बेटा हंड्रेड वोल्ट हो गया ई एम एफ वी टी के बराबर तो मैं क्या कहता हूँ देखो पहले जब टू हंड्रेड था तो थाउजेंड आर पी एम पे था ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्लक्स को कांस्टेंट मान लो जब तक मोटर के बारे में कुछ नहीं बताया आप इसे ले लो सेपरेटली एक्साइटेड और वैसे भी पता है क्या है यहां पे दिख भी रहा है फील्ड वाइंडिंग सेपरेट है इस डायग्राम में दिख भी रहा है डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग आपकी सेपरेट है ठीक है ना तो बेटा अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू स्पीड है तो ईएमएफ वीटी के बराबर है तो मैं कहता हूं हंड्रेड बाय टू हंड्रेड इज न्यू स्पीड बाय ओल्ड स्पीड तो न्यू स्पीड इज फाइव हंड्रेड ठीक है तो आंसर विल बी बी 500 rpm ठीक है भाई समझ में आया तो देखो यहां से क्या फायदा हुआ हमारा मोटर का कंसेप्ट रिवाइज हो गया हमारा चॉपर का कंसेप्ट तैयार हो गया तो इस वे में ड्राइव के क्वेश्चन अगर आप पांच भी लगा लेते हो ना तो उससे बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है एज कंपेयर टू सिंगल हैंडेडली मशीन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखें चलो अगला बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच इज सुटेबल फॉर आर डीसी टू डीसी कन्वर्टर फटाफट आंसर आना चाहिए भाई कम ऑन एवरीबॉडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। बी क्विक बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ डीसी टू डीसी कन्वर्टर। कन्वर्ट सी बहुत बढ़िया आंसर एज सी अब सर ऐसा क्यों देखो क्या होता है जो रिपल होती है रिपल इन चॉपर डेल्टा आई एल जो होता है बेटा जो आपका डेल्टा आई एल होता है दैट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एफ सो चॉपर इज ऑपरेटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर इज ऑपरेटेड एट हाई फ्रीक्वेंसी टू मिनिमाइज डेल्टा आई एल ठीक है इससे क्या फायदा है आपका रिपल कम हो जाता है ठीक है अब बेटा अगर डेल्टा आईएल ऐसे मिनिमाइज हो रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी पे मोस्ट सूटेबल स्विच कौन सा होगा हाई फ्रीक्वेंसी पे मोस्ट सूटेबल स्विच होगा मॉस्फेट मॉस्फेट ठीक है सी क्लियर हो गया अगला देखो भाई डीसी टू डीसी कन्वर्टर और चॉपर कैन डीसी टू डीसी कन्वर्टर या चॉपर क्या कर सकता है स्टेप डाउन कर सकता है step up कर सकता है, के दोनों कर सकता है बताइए डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या कर सकता है बोलो भाई यस सी ट्रांसफॉर्मर की तरह अप या स्टेप डाउन दोनों कर सकता है पता है स्टेप अप करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बूस्ट करना और स्टेप डाउन के प्रोसेस को बोलते हैं बक ठीक है अगर स्टेप डाउन करोगे दैट मींस बक स्टेप अप करोगे दैट मींस बूस्ट चलो अगला इन डीसी चॉपर पर यूनिट ट्रिपल इज मैक्सिमम व्हेन ड्यूटी साइकिल अल्फा इज बेटा एक चीज का यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों होता है अगर सिर्फ आपको ऐसा बोला जाए डीसी टू डीसी चॉपर तो इसको ना बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हो कि ये बक कन्वर्टर के बारे में बात कर रहा है ठीक है अगर सिंपल चॉपर कहीं लिखा हो ना चॉपर का मतलब होता है एक स्विच तो अगर एक स्विच को आप सोर्स और लोड के बीच में लगा दोगे देन इट विल बिहेव एज अ बक कन्वर्टर पॉइंट फाइव ठीक है चलो अगला अगला ट्राई करो बेटा हाँ क्या क्वेश्चन है कि मैं ई एम टी कौन से चैनल पे ले रहा हूँ बेटा मैं ई एम टी ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए ले रहा हूँ जहाँ पे कि एकदम बेसिक से खास करके जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं उनको उससे बेनिफिट हो सकता है जिन्होंने ग्यारहवीं बारहवीं स्किप की है वहाँ पे मैंने वेक्टर भी पढ़ाया है ठीक है वहाँ पे मैंने बेसिक मैथ्स भी पढ़ा रखा है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन उसके बाद मैंने चार्ज की डेफिनेशन से लेके पोटेंशियल तक अभी सब कवर कर दिया है और अगला टॉपिक मैं वहां पे स्टार्ट कर रहा हूँ सैटरडे से कैपेसिटर ठीक है डेली साढ़े बारह बजे क्लास होती है तो जो भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं इलेवेन्थ ट्वेल्थ बिल्कुल नहीं किया स्ट्रगल करते हैं वो लोग उसे अटेंड कर सकते हैं बाकी आप लोगों को देखना हो तो आप तो रिकॉर्डेड वीडियो को फास्ट ट्रैक करके भी देख सकते हो आपको सच कॉम्प्रीहेंसिवली उसे देखने की जरूरत नहीं है है ना अगर आपने ट्वेल्थ अच्छे से कर रखी है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा ज्यादा फायदा उसे होगा जो ट्वेल्थ में बहुत कमजोर रह गया या फिर जिसने ट्वेल्थ को स्किप कर दिया है हाँ भाई क्या बोला है एक चॉपर है जो 100 वोल्ट डीसी से चल रहा है ड्यूटी रेशो है पॉइंट एट अब ये बोला है लोड इज हाईली इंडक्टिव सो दैट करंट इज रिपल फ्री एवरेज करंट थ्रू द डायोड तो देखो मैंने बताया था जब कभी आपको कोई भी वैल्यू करंट की निकालनी है तो उसका नियम याद रखें वो किससे निकलेगी इंडक्टर के करंट से तो वी नॉट एवरेज हो जाएगा डी वी डी सी पॉइंट एट इंटू हंड्रेड दैट इज एटी वोल्ट आई नॉट एवरेज इज एटी बाय आर एट एम्पियर अब बेटा यहां पे डायोड का एवरेज करंट कितना होता है आई नॉट इंटू टी माइनस डी टी बाई टी आई नॉट वन माइनस डी ठीक है ए आंसर विल बी ए YouTube चैनल बेटा काइनेटिक वाइब्स के नाम से ठीक है उस पर मैं ही पढ़ाता हूं सिर्फ और कोई नहीं पढ़ाता है मेरे वीडियोज है चलो पहले पढ़ाते थे और टीचर एन आइडियल चॉपर इज ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव हंड्रेड हर्ट सप्लाईज अर लोड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ थ्री ओम इंडक्टेंस ऑफ नाइन हेनरी फ्रॉम आ सिक्सटी वोल्ट बैटरी द मेन वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज फॉर ऑन ऑफ रेशो ऑफ फोर एस टू वन एज्यूमिंग दैट लोड इज शेड बाई अ परफेक्ट कम्युनिंग डायोड एंड बैटरी इज लॉसलेस करो भाई लोड वोल्टेज की मेन वैल्यू बतानी है ऑन ऑफ रेशो है फोर एस टू वन ऑन ऑफ का रेशियो मतलब होता है टी ऑन बाइ टी ऑफ टी ऑन बाई टी ऑफ आपको दे रखा है बेटा बताओ भाई क्या आएगा बी देखें क्या देखो टी ऑन बाय टी ऑफ है बेटा फोर बाय वन ठीक है अब यहां पे क्या होगा टी ऑन इज फोर टी ऑफ तो टाइम पीरियड विच इज टी ऑन प्लस टी ऑफ इज फाइव टी ऑफ तो ड्यूटी साइकिल इज टी ऑन बाय टोटल टाइम टी फोर बाय फाइव दैट इज पॉइंट एट अगर ऐसा है तो वी नॉट इज डी इंटू वी डी सी सिक्सटी इंटू पॉइंट एट फोर्टी एट वोल्ट ठीक है बी फोर्टी एट वोल्ट चलो भाई अगला देखो द गेन ऑफ द कन्वर्टर शोन इज स्विच कनेक्टेड टू वन वन डैश फ्रॉम जीरो टू टू टी ऑन एंड टू टू डैश फ्रॉम टी ऑन टू टी आपको इस कन्वर्टर का गेन बताना है गेन का मतलब है बेटा आउटपुट बाय इनपुट वोल्टेज तो आउटपुट है आपका वी और इनपुट है सॉरी इनपुट है वी आउटपुट है वी वी बाय वी निकालिए निकालिए भाई क्या आएगा देखें फटाफट से कीजिए गजेंद्र बेटा मेथड नहीं आंसर बताओ मेथड के मार्क्स नहीं मिलेंगे गेट के अंदर चलो फटाफट फड़ से करो इसको कम ऑन एवरीवन बी क्विक बेटा क्या आ रहा है ए आ रहा है देखें क्या देखो पहले ना मैं मुझे पता है एवरेज आउटपुट निकालने के लिए वोल्ट सेकंड बैलेंस लगता है तो मैं ज़ीरो से टी ऑन की बात करता हूं यहां पे मेरा स्विच कहाँ है वन वन डैश पे ठीक है वन वन डैश पे अगर ये है तो आप ऐसे देखो इसको इस टाइप से कनेक्टेड है इस टाइप से अगर कनेक्टेड है भाई तो इंडक्टर वोल्टेज कितना होगा के से अगर निकालोगे वी जी माइनस वी अब टी ऑन से टी की बात कर लो भाई स्विच कहाँ पे है तो यहां पे इंडक्टर का वोल्टेज कितना है टू टू डैश के हिसाब से वी जी प्लस वी ठीक है और बच्चों देखो अभी रात को आठ बजे में स्पेशल क्लास पे लाइव आने वाला हूं तो जो भी आपकी तैयारी से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप ए एम ए सेशन के अंदर पूछ सकते हैं तो वी जी माइनस वी इंटू टी ऑन प्लस वी जी प्लस वी इंटू टी ऑन सॉरी नॉट टी ऑन टी माइनस टी ऑन तो so, यहां पे क्या होगा वी जी इंटू टी माइनस वी क्या होगा टी माइनस वी टू टी ऑन माइनस टी तो वी बाय वी जी इज टी बाय टू टी ऑन माइनस टी टी से डिवाइड कर दो तो वन बाय टू डी माइनस वन बी आएगा ठीक है आंसर इज B बेटा ये किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करेगा चॉपर क्योंकि ये स्टेप डाउन भी कर सकता है ये स्टेप अप भी कर सकता है तो ये हमने नॉन कन्वेंशनल चॉपर बना दिया जिसका रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए मैं आपको यही तो बता रहा हूँ बेटा एग्जाम के लिए अगर फंडामेंटल सॉलिड कर लें तो चॉपर का क्वेश्चन जाए ऐसा हो ही नहीं सकता फिर चाहे ओल्ड क्वेश्चन हो या फिर न्यू क्वेश्चन चलो अगला देखें अ चॉपर सर्किट शोन बिलो है इनपुट डीसी वोल्टेज ऑफ 200 हंड्रेड आर इक्वल टू टेन ओम एल इक्वल टू एट्टी मिली हेनरी इफ द लोड करेंट वेर लीनियरली बिटवीन 12 एंड 16 एमपीअर then the time ratio T on by T off is बताओ भाई क्या आएगा फटाफट फड़ से बोलो और अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं दो चीजें आज रात आठ बजे ए एम ए सेशन हो रहा है और फ्राइडे शाम 6 बजे डीसी मशीन का मैराथन है एकदम बेसिक से लेके चलेंगे डीसी मशीन को और बहुत बेहतरीन लेवल तक उसको लेके जाएंगे ठीक है तो हर फ्राइडे जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया एक मैराथन सेशन कंडक्ट होगा गलत हो गया भाई शुभम जल्दबाजी में हमेशा ज़रूरी नहीं फर्स्ट आंसर दिया जाए मोस्ट एक्यूरेट इज़ वॉट मैटर्स ड्यूटी साइकिल नहीं पूछा है ध्यान से देखो क्या पूछा है भाई बाकी लोग निकालो हाँ यही ये एग्जाम के लिए भी देख सकते हो चलो देखें देखो यार जब कभी मैंने आपको बताया ना जब कभी लीनियर वेरिएशन होता है देन एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू इज मिड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा तो ये आ गया अब बेटा ये जो आई एल एवरेज होता है ये लोड सॉरी इंडक्टर का करेंट किस में जाएगा लोड में ये मैंने आपको बताया था ना कैपेसिटर से कोई एवरेज करेंट नहीं जाता तो इससे वी नॉट मिल जाएगा फोर्टीन इंटू टेन वन फोर्टी जिससे मिल जाएगी ड्यूटी साइकिल वन फोर्टी बाय टू हंड्रेड यानी कि पॉइंट सेवन अब अगर हम निकाल लें टी ऑन बाय टी ऑफ तो दैट इज डी बाय वन माइनस डी सेवन बाय थ्री टू पॉइंट थ्री 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 ठीक है टू पॉइंट थ्री 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 सिंपल है तो दैट इज द आंसर ठीक है भाई तो so क्लैरिटी मिल गई देखो बक कन्वर्टर पे जो सवाल आता है ना वो इजी आता है जो डेस्कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन के अच्छे क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं वो हमें मिलते हैं बूस्ट और बक बूस्ट में तो अब जो हम अगले टॉपिक्स कवर करेंगे वो करेंगे बूस्ट बक बूस्ट फिर दोनों का डी एक साथ लगाएंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि चॉपर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं बट ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स पूछा जाता है बक कन्वर्टर और इसके क्वेश्चन अक्सर काफ़ी आसान होते हैं बस आपको अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है अब देखो यार जो बच्चे प्लस पे नहीं है वो प्लस पे आ सकते हैं क्योंकि यहाँ मिलेंगे लाइव क्लासेस और वो इंटरेक्टिव होंगी जहां आप एजुकेटर से टीचर से मुझसे आप लाइव ऑडियो पे बात कर पाओगे क्रैश कोर्सेज भी आते हैं बेटा हर संडे टेस्ट होता है डेली आपको 50 क्वेश्चंस मैं घर के लिए भी देता हूं और क्लास में भी कराता हूं और टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं आपके लिए डाउट सॉल्विंग के लिए इमिजिएट आपका डाउट सॉल्व किया जाता है आपको बस क्या करना है पिक अपलोड करनी है उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा यहाँ गेट ई एस सी पी एस यू सबकी तैयारी कराई जाती है बट अगर और आगे जाना है देन गोविद आइकॉनिक वहाँ ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन टेस्ट एनालिसिस स्टडी मटेरियल और बेटा एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो ना आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकती है बस आपको कोड लगाना है अंकित ई और इससे आपको इमिजिएटली मिलेगा टेन परसेंट डिस्काउंट और आप आ जाओगे मेरी पर्सनल गाइडेंस में और बेटा अभी ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है कंट्रोल सिस्टम बाय अजय सर ये आपका बैच में आज ही से स्टार्ट हुआ इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि मिस ना कर जाओ मनोज बेटा मैंने कल बताया था क्या क्या पॉसिबल इक्वेशन आप बना सकते हो यहाँ पे बीटा वैसा नहीं है एक्सटेंशन एंगल नहीं है एक्सटेंशन टाइम है तो मैंने बताया था कल कौन सा ग्राफ बनेगा कौन कौन से करंट निकल सकते हैं एवरेज आउटपुट क्या होता है उन्हीं सब डेटा की मदद से बीटा डिराइव किया जाता है कोई एक सिंगल मेथड नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही निकलेगा और बेटा जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए EMFT स्टार्ट किया बीवी रेड्डी सर ने और जो लोग मेरे साथ गेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेटा पावर सिस्टम आ रहा है फ्रॉम एट ऑफ सेवन एम डेली तीन घंटा क्लास चलेगी एट सितंबर से नाइनटीन अक्टूबर तक कोर्स चलेगा इसके अंदर जनरेशन तक आपका पूरा गेट ई और पी के लिए कवर किया जाएगा और मोर देन थाउजेंड क्वेश्चन आपको बेटा कराए जाएंगे इन दिस पावर सिस्टम हजार से ज्यादा क्वेश्चन आपको लगाए जाएंगे ठीक है और यहां पे ध्यान रखें संडे को होने वाला है बेटा कॉम्बैट 22 तारीख को तो यहां पे जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ताकि आपको इमिजिएटली मिल जाए टेन सॉरी इमिजिएटली आपको कॉम्बैट में एनरोलमेंट मिल जाए और यहाँ मचाओगे तो यू कैन इवन विन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप और बार का अगला टेस्ट हो रहा है बेटा सैटरडे को फॉर ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मिनट और उससे अगले सैटरडे आपका दो घंटे का टेस्ट होने वाला है जिसमें सौ क्वेश्चन आएंगे इसको जरूर दें बेटा और बहुत ज़्यादा नंबर्स में दें और अगर अन अकेडमी ज्वाइन करना है बच्चे तो ये प्लान चूज करिए क्योंकि यहां पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा मैं जानता हूं अमाउंट ज्यादा लगता है लेकिन बेटा एजुकेशन में किया हुआ एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस इसलिए एजुकेशन के लिए कभी मत सोचा करो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो अंकित टी कोड से और अगर एफोर्ड ना कर पाओ कोई बात नहीं बेटा आप या तो यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो या फिर आप इस प्लान पे भी आ सकते हो क्योंकि ये प्लान आपको ई पे अवेलेबल है विदाउट एनी इंटरेस्ट और वो भी अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अन से एजुकेशन लोन पे भी ज्वाइन कर सकते हो फिर भी पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं टू ईयर प्लस पे आ जाओ यहाँ थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना पड़ेगा बट स्टिल आप यहाँ से बेटा फोड़ सकते हो एग्जाम में अगर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी खुद बनाओगे आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाया जाएगा बट डेफिनेटली हाँ आपको मदद पूरी तरह से की जाएगी बस आइकॉनिक में क्या होता है कि आपसे रेगुलरली बात की जाती है टॉपर्स आपसे बात करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है आपसे पूछते रहते हैं कितना पढ़ लिया कहां तक पहुंच गए तो ये दोनों में फर्क है लेकिन टू ईयर का लेना क्योंकि बेटा मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं आपको मल्टीपल एग्जाम क्रैक करने हैं सिर्फ एक एग्जाम नहीं और ये मेरा अनअकेडमी प्रोफाइल है इसको फॉलो कर लें यहां मुझे मैसेज कर सकते हो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी और अगर हमारी वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है विच इज डिफेमेटरी हर्टिंग एनी बडी सेंटिमेंट तो रिपोर्टेड यूजिंग द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन यू विल बी रिवॉर्डेड इफ़ इट इज ट्रू सो थैंक यू एवरी वन लाइक शेयर जरूर करें और बेटा टेलीग्राम चैनल पर बने रहा करो डेली क्विज कराई जाती है वो आपके स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट देने वाली है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेलाइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आता रहे तब तक बच्चों ऐसी मचाते रहो फोड़ते रहो लेट्स क्रैक इट